प्लीज पटाई डिजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। हेलो, अभी काइंड मास्टर में कैसे एडिटिंग है तो हम दिखाई देंगे। अभी काइंड मास्टर हम खोल लेंगे और काइंड मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, इधर हम काइंड मास्टर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसी तरह काइंड मास्टर का पेज खोलेगा। प्लस जो आइकन है प्लस में क्लिक करेंगे। प्लस क्लिक करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद इधर एक पेज आएगा, जो पेज एम्प्टी होगा। इधर हम मीडिया एक ऑप्शन है ऊपर है, और इधर हम मीडिया में क्लिक करेंगे। मीडिया क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऑप्शन आएगा जो हमारे मोबाइल में हो, बैकग्राउंड ऑप्शन इधर आएगा। ये बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड क्लिक करने के बाद हमको किसी भी बैकग्राउंड हम चूज कर सकते हैं इसी बैकग्राउंड से। देखिए इतना सारा बैकग्राउंड है, हम ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इसी बैकग्राउंड को चूज करेंगे। देखिए चीज का टिक मार्क मारेंगे, उसके बाद देखिए आ गया बैकग्राउंड। उसके बाद लेयर जो है लेयर में क्लिक करेंगे। लेयर के बाद हम इमेज जो है इमेज में क्लिक करेंगे। इमेज में क्लिक करने के बाद इतना सारा इमेज हमको दिखाई देगा, किसी भी इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इमेज वापस इधर आते हैं, अगेन इमेज में क्लिक करते हैं। देखिए ये सारी इमेज है, थर्ड प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी इमेज आ रहा है। ये देखिए अभी इमेज आया है, इमेज में हम क्लिक करेंगे। इतना सारा इमेज, किसी भी इमेज को हम चूज कर सकते हैं। पटा डिजिट जो इमेज है हम क्लिक किया, इधर पटा डिजिट इमेज आ गया। इस इमेज को हम कहाँ पर लेना है इस क्लिक करके हम ले सकते हैं, इधर रखना चाहते हैं, इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इधर बड़ा छोटा हो रहा है, जो एरो जो इसे हम क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। हो गया, अभी सेट हो गया। उसके बाद एनिमेट ऐसे कर सकते, किस तरह आएगा, कितना टाइम लगेगा। ये देखिए ये सारे एनिमेशन ऑप्शन आ रहे हैं, हम इधर लाइव भी देख सकते हैं कैसे एनिमेशन आएगा। देखिए हम एक एनिमेशन चूज करते हैं, जब पप का एनिमेशन इधर चूज करते हैं इसी तरह आएगा ये। कितने टाइम का है नीचे आ रहा है टाइम, टाइम में हम क्लिक करके टाइम को सेट कर सकते हैं। देखिए अब टिक मार्क राइट साइड में करके हो गया सेटिंग। इसे प्ले करके देखते हैं कैसे आता है हमारा जो अभी एडिटिंग हुआ है। देखिए इसी तरह आएगा, कितना टाइम आएगा हमारा कैसा आएगा, ये सारे सेटिंग हो गए। दोबारा हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देखिए टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा राइटिंग बॉक्स में, इधर हम लिखेंगे हमारा कुछ भी लिख सकते हैं हम। इधर हम लिख रहे हैं पटाइट डिजिक्स, एंटर में क्लिक करेंगे। एंटर में क्लिक करने के बाद नीचे आएगा, नीचे हम डिजिक्स को लिखेंगे BIZIX। अभी ओके पर क्लिक करेंगे। ओके हो गया, देखिए अभी आ गया। इसे हम बड़ा छोटा भी कर सकते, देखिए अभी ये जो एरे क्लिक है राइट साइड में से बड़ा छोटा कर सकते, और एंगल वाला जो एरे है इसे हम क्लिक करके एंगल इसे कर सकते, किसी भी एंगल में हम लिख सकते। देखिए ये सेट हो रहा है, हो गया बड़ा छोटा, अभी हो रहा है। इसकी जो अभी हम चेंज करेंगे उसके फ्रंट, देखिए उसके फ्रंट किस तरह आ रहे हैं, हम इसे फ्रंट को चूज करेंगे। बैकग्राउंड में पहले एक बैकग्राउंड देख देते हैं, बैकग्राउंड क्लिक किया तो बैकग्राउंड का कलर इसी तरह आएगा। हम कलर भी उसे चेंज कर सकते हैं कैसा कलर आएगा। अभी बैकग्राउंड के बाद हम इसके फ्रंट को जो ए छोटा बड़ा है लिखा इधर क्लिक करेंगे, फ्रंट आएगा इतना सारा फ्रंट। इसी फ्रंट से हम किसी फ्रंट को चूज कर सकते हैं। देखिए हम एक फ्रंट चूज करते हैं, रोबोट ब्लॉक हो गया। अभी टिक में राइट साइड है, टिक के ऊपर कोन में इसे टिक मारेंगे। टिक करने के बाद ये हो गया, देखिए अभी ब्लर हो गया, बोल्ड लेटर हो गया। अभी कलर चूज करेंगे, कलर हम कैसे चाहते हैं वो लेटर का, ब्लू कलर चूज करेंगे। देखिए आप किसी कलर को चूज कर सकते, हो गया अभी ब्लू कलर। इसे एनिमेट हम कर सकते हैं, कैसे एनिमेशन आएगा देखिए, इतने सारे एनिमेशन ऑप्शन नीचे, बहुत सारे एनिमेशन है। हम एक एनिमेशन चूज करते हैं, देखिए लेटर बाय लेटर और कितने टाइम को आएगा नीचे, जो टाइम ऑप्शन है 1 सेकंड या 0.5 सेकंड, 1.5 इस तरह ऑप्शन है, 2 सेकंड, 3 सेकंड।
प्ले करके हम देखते हैं कैसा आता है। हो गया, अभी अभी प्ले हो रहा है, हम इसे सेट करके कैसा आ रहा है देखिए। अभी और एक इमेज में हम क्लिक करके इमेज ले रहे हैं, किसी भी इमेज हम चूज कर सकते हैं। इसी इमेज को ब्लर करेंगे कैसे हम इसे हाइड कर सकते हैं। देखिए एक इमेज है, स्क्रीन शॉट में हम इमेज देख रहे हैं। किसी भी इमेज को हम ले सकते हैं, आप ही ले सकते किसी। अब देखिए इमेज हम एक चूज कर रहे हैं, किसी इमेज को हम चूज करना चाहते हैं। देखिए एक इमेज आ रहा है इधर, हम इसी इमेज को चूज करके ये इमेज हम ले रहे हैं, क्यों अगर ये इमेज हमको पसंद नहीं, ठीक ठाक नहीं, इमेज भी हम इधर कट सकते हैं। देखिए इमेज है, ये इमेज हमको पसंद नहीं, और एक इमेज हम लेंगे और इमेज। देखिए हम इमेज को हम डिलीट कर देंगे, ये लेफ्ट साइड में एक डिलीट का बटन है, इसे डिलीट हम कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गया, फिर से हम वही लेयर में जाएंगे, लेयर जाके इमेज लेंगे, इमेज को एक चूज करेंगे। इस इमेज चूज करके जाते हैं, इमेज कहाँ पर है देखिए, इधर इतना सारा इमेज है, हम किसी को लेकर जिस इमेज से आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए हम सही इमेज ले रहे हैं। देखिए एक इमेज आ रहा है ऊपर 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 है थोड़ा, देखिए आ गया आ गया। इसी इमेज को हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए एक बैंक इमेज है, जैसे हम हाइड करना चाहते हैं कुछ नंबर है, इन नंबर को हम हाइड करना चाहते हैं, जैसे कोई नहीं देख सकते। देखिए अभी इसे छोटा करेंगे, छोटा करके जो साइज है उसे रखेंगे। कहाँ पर रखना चाहते हैं सेट कर रहा हूँ, देखिए इधर रखना चाहते हो, इधर रखना चाहते हो, इतना साइज होगा, ठीक है हो गया। हम ये जो इमेज इसे ऊपर हो गया, इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। अभी इसे नीचे जो है, नीचे क्लिक करके हम ठीक कर सकते हैं, ये इधर सेट करते हो गया, ये सेट हो गया। सेट होने के बाद हम जो ब्लोर वाला है हम हाइड करेंगे, नंबर को हाइड करेंगे। ब्लोर को हाइड करने के लिए कब स्टार्ट होगा ये भी हमको देखना चाहिए। इधर हम इफेक्ट्स में क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स क्लिक करने बेसिक इफेक्ट में क्लिक करेंगे, बेसिक इफेक्ट पहला वाला है जो, इसे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए आ गए एक, मगर आ गए अभी इसके बाद आ गए, इसे हम ड्रैग करके इधर रखते हैं, क्योंकि हमको पहले से ही इससे ज़रूरत है, क्योंकि हमको पहले से ही हाइड करना है। अभी इतना बड़ा ब्लर आ रहा है तो इसे छोटा भी कर सकते हैं हम। देखिए छोटा आएगा, इधर हम लगे जहाँ पर हम हाइड करना चाहते हैं, हाइड हो गया, अभी हाइड हो गया। हाइड करके इसे थोड़ा छोटा भी करेंगे, छोटा करके उसके क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद मतलब उसे थोड़ा साइज को रिसाइज करेंगे। देखिए अभी क्रॉप होगा, इतना साइज कम चाहिए, नीचे भी थोड़ा कम कर देंगे। अभी इसे टिक मार के ओके करके थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे, ठीक हो गया। थोड़ा ये आ रहा है मगर नीचे हो गया, इसे ऊपर हम थोड़ा करना चाहते हैं। देखिए अभी सेट पर है, सेट देखिए हो गया, सेटिंग हो गया। टिक मार के उसे ओके करेंगे। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी लगभग कंप्लीट हो गया। इसे हम और एक काम करेंगे, नहीं हम इसे जो म्यूजिक हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी म्यूजिक अब है जो आपका मोबाइल में है, तो नहीं है तो आपका मोबाइल में रिंगटोन हो उसी नंबर को किसी म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक आप चूज कर सकते हैं। कैसे साउंड आएगा तो आप चूज कर सकते। देखिए अभी साउंड को सेट करना आपका मर्जी है, हो गया। अभी एक बार इसे प्ले भी करेंगे हम। प्ले करने के पहले इधर हम एक्सप्लोर कर देते, एक्सप्लोर मतलब इसे हम सेट करना चाहते हैं किसी तरह। देखिए सेट करना अभी हमारा सेव होगा, ये सेव होने से पहले हम इसे कैंसिल करेंगे, दोबारा देखेंगे ठीक ठाक है नहीं, देखते हैं कैंसिल करके, हो गया फिर से देख जाएंगे। इसे प्ले करेंगे पहले, पहले प्ले करने के बाद हम देखेंगे कैसे हमारा आता है वीडियो। देखिए अभी आ रहा है ठीक ठाक, इधर ब्लर हो गया आ रहा है, हमारा जो नंबर था वो हाइड हो गया, अभी ब्लर हो गया है, देखिए ठीक ठाक आ रहा है।
जो इधर लेफ्ट साइड में मिडिल में है शेयर बटन का, इधर हम क्लिक करने के बाद ही हमारा एक्सपोर्ट आएगा। ये आ गया, अभी देखिए ये आ गया। आप कितना साइज आप चाहते हैं इसे साइज भी चूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इतना सा वीडियो था, थैंक यू।